हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ और एक बार फिर से आपके अपने चैनल ब्लॉग विद शशकला पांडे में स्वागत है। और आज हमारा अपना कोई ब्लॉग नहीं है, एक रिएक्शन वीडियो ही है। हमने इस समय जो यूट्यूब पर बहुत तेज़ी से वायरल भी हो रहा है, सचिन और मनीषा जी की वीडियो और नेहा आशीष तिवारी का जो चैनल है, मतलब नेहा जी के बारे में, तो सच में सुनकर के हैरान कर देने वाली बातें सामने आई हैं। हमने तो ऐसा सपने में भी नहीं सोचा था कि भाई बहन का रिश्ता बता करके ऐसी भी कोई बात होने की कहीं गुंजाइश होगी। लेकिन कहते हैं कि आग जलती है तभी धुआं उठता है, क्योंकि कई यूट्यूबर पिछले कई दिनों से महीनों से कह रहे थे इस बात को, लेकिन मनीषा जी भी नज़रअंदाज कर रही थी और बाकी जो लोग थे वो लोग भी सोच रहे थे कि शायद ये वैसे ही मतलब लोग कह रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं होगी। हमारे भी यही राय थी कि भाई बहन का रिश्ता है, भले ही सगे भाई बहन नहीं है तो क्या हुआ, इतने पवित्र रिश्ते को कलंकित तो बिल्कुल भी नहीं करेंगे। लेकिन हम लोगों की बातें ऐसा लग रहा है अब कि झूठ है। मनीषा जी से ने जो बातें कहीं और जो सचिन जी ने लाइव में आकर के जैसी बातें स्वीकार की, वैसे तो लग रहा है कि मैटर कुछ दूसरा ही है और वास्तव में बड़ा ही शर्मनाक बात है अगर ऐसी कोई बात हो तो। अब से भी अगर ये हो तो मनीषा जी जैसी औरत होना बहुत नामुमकिन है कि उन्होंने इन सारी बातों को कैसे हैंडल किया, इस दर्द को महसूस करते हुए भी कभी इस तरह का रिएक्शन नहीं दिया, कभी कुछ रिएक्ट नहीं किया, कुछ कहा नहीं, अभी भी अपने पति का सपोर्ट कर रही हैं। और नेहा जी को तो हम बहुत अच्छा इंसान मानते थे, लेकिन पता नहीं क्यों ऐसी बातें उनके बारे में हो रही हैं, तो हो सकता है कि कुछ सच्चाई हो। हालाँकि हम जो चीज़ नहीं जानते हैं अच्छे तरीके से तो नहीं कहते, लेकिन फिर भी जब लाइव में आकर के जिस तरह से सचिन जी ने कहा तो ऐसा लग रहा था कि कुछ ना कुछ बात तो ज़रूरी है, नहीं तो सोशल मीडिया पर कोई इस तरह की बातें नहीं करेगा, क्योंकि उसमें सिर्फ नेहा जी की नहीं बल्कि सचिन जी की भी बदनामी है, मनीषा जी की भी बदनामी हो ही रही है। हालांकि मनीषा जी बहुत अच्छे इंसान हैं और उन्होंने जो दर्द बयां किया उससे तो पता चल ही गया कि नेहा जी का भी भविष्य खतरे में ही है, अगर इस तरह की बातें सामने आ रही हैं सोशल मीडिया पर तो ये अच्छी बात नहीं है। आशीष जी पहले ही गुजर चुके हैं और उसके बाद इस तरह से किसी के परिवार को उजाड़ने के बारे में सोचना भी बहुत गलत बात है। जो भी हो तो अगर ये मैटर मतलब जल्द से जल्द समाप्त हो जाए, दोनों लोग अपने अपने परिवार के साथ रहें, उनकी भी सगाई हो ही चुकी है, नेहा जी की भी और मनीषा जी के तो हस्बैंड हैं ही सचिन जी, तो ये लोग पुरानी बातों को भुला करके अगर नए सिरे से अपने जीवन की नई शुरुआत करें तो बहुत ही अच्छा रहेगा। और इस तरह की बातें मतलब सोशल मीडिया पर लाना कोई बहुत अच्छी बात नहीं है, पूरे परिवार की बदनामी तो होती ही है और अच्छा भी नहीं लगता है इस तरह सुनने में भी। और इतने पवित्र रिश्ते को शर्मसार करने के बारे में तो किसी को भी नहीं सोचना चाहिए। मनीषा जी की का जो दर्द था, जो उनके आंसू थे, कोई भी औरत महसूस कर सकती है इस कंडीशन में कितनी तकलीफ़ होती है कि जिस पति को वो इतना प्रेम देती हैं, स्नेह देती हैं, प्यार करती हैं, अगर वो किसी और के बारे में सोच रहे हों या उनसे कोई किसी से भी कोई भी रिश्ता हो तो तकलीफ़ तो होगी ही। खैर दोस्तों, जो भी विचार हमारे मन में आ रहे थे यह हमारा निजी विचार है और इसको हमने आपके समक्ष रखा। अगर इससे किसी को भी ठेस पहुँचे तो उसके लिए हम हृदय से क्षमा चाहेंगे। और आपको वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा और आप लोग कैसे हैं ये भी बताइएगा। ठीक है दोस्तों, हम फिर मिलेंगे आपसे एक अच्छी सी प्यारी सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।